नवरात्र का समय चल रहा है और ऐसे में हर एक माता की मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। दरअसल आज भी आधुनिक युग में एक ऐसा मंदिर जहां भगवान की मूरत नहीं बल्कि श्रृंगार सिंदूर और पिंड की पूजा की जाती है। आपको बता दें, हजारीबाग जिला मुख्यालय से महज 17 किलोमीटर दूर इछाक का 354 वर्ष प्राचीन बुढ़िया मंदिर में प्रतिमा की नहीं बल्कि मिट्टी और सिंदूर के पिंड की पूजा की जाती है। यहाँ मिट्टी के पिंड पर सिंदूर का लेप लगाया जाता है और माता लोगों की मन्नतें पूरी करती हैं। पूजा अर्चना के लिए झारखंड, बिहार, बंगाल के अलावा कई राज्य से श्रद्धालु इस मंदिर परिसर में पूजा के लिए पहुँचते हैं। मंदिर की मान्यता है कि जिसने भी यहाँ झोली फैलाया है, माँ उसकी मुरादें पूरी करती हैं। खासकर नवरात्र और सावन पूर्णिमा में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और सप्तमी के दिन माँ को सिंदूर चढ़ाया जाता है। मंदिर के पुजारी अमरनाथ पांडे ने बताया कि पूर्वज बताते थे सन 1668 में इलाके में हैजा महामारी फैली थी। उस वक्त इस बीमारी का इलाज नहीं था, महामारी से लोग मर रहे थे। इसी काल में एक चरवाहा ने जंगल में सिंदूरी रंग की मिट्टी देखी जिससे कुछ आवाज आ रही थी। घर लौटने पर गांव में इसकी चर्चा की। दूसरे दिन गांव के लोग वहां गए। वहां पहुंचकर सबने शांति महसूस किया। तब ग्रामीणों ने वहां पूजा शुरू कर दी। फिर वहां लोगों ने मिट्टी का मंदिर बना डाला और पूजा जारी रखी। इसके बाद गांव में लोग बीमारी से मुक्त होने लगे, लोगों की आस्था बढ़ते गई और लोग देवी दुर्गा की पूजा करने लगे। आज भी बुढ़िया माता मंदिर के गर्भगृह में वही सिंदूरी मिट्टी का पिंड है। इस मंदिर का नाम बुढ़िया माता मंदिर है। ये हैजा टाइम लगभग 1668 के आसपास के आसपास जब हैजा का उत्पादन हुआ था, उस टाइम पे डॉक्टर की कमी होने के कारण लोगों में मृत्यु का जो प्रावधान था वो काफ़ी ज़्यादा था, है ना। तो ऐसे में यहाँ के जो गिने चुने गण्यमान्य लोग थे, खास करके सुनार, उनके नज़र में ये बात आया, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं जहाँ श्रृंगार लगा हुआ है वो दियाड़ के नाम से भी जाना जाता है, है ना। यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि एक बूढ़ी औरत जो है वो स्वप्न में आई थी और उन्होंने कहा था कि जो यहाँ का दियाड़ है अगर वहाँ पे जाके पूजा पाठ किया जाता है पूजा पद्धति से, तो जो ये बीमारी है, है ना, हैजा जो फैला हुआ था उस पर रोकथाम किया जा सकता है। लोगों ने आपस में बात विचार किया, यहाँ पे आए, पूजा पाठ किए और उस टाइम से हैजा जो धीरे धीरे कंट्रोल होने लग गया। और उस समय से ऐसा मान्यता है कि यहाँ जो भी मन्नत किया जाता है, माँ से जो भी सच्चे दिल से मांगा जाता है वो पूर्ण होता है। यहाँ के माँ का देखते हैं, सब कोई आता है पूजा करने के लिए तो हमको भी मन करता है तो माँ के पास आए। और नवरात्रि है अभी, माँ के पास पूजा करने के लिए आए। माँ सबके मनोकामना पूरी करती है, श्रद्धा है, नवरात्रि अभी है। यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पे श्रृंगार पूजा होती है। 1667 ईस्वी में एक बार हैजा का बीमारी फैला हुआ था, उस समय से माता किन्हीं को स्वप्न में आए और बताएं कि इनका पूजा पाठ कीजिए, और उस समय से पूजा पाठ जारी है और बीमारी सारा ठीक हो गया। और अभी जो भी मन्नत लेकर आते हैं पूरा होता है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इस राज्य से अलग राज्य से भी लोग आते हैं।